Assalamu alaikum dear students, good morning. Today we are going to solve another question from exercise 6. So look at the page, question number 9 is in front of you. Question number 9 says that if 7 upon 13 is equals to 14 upon p, find p. यहाँ पर रेशियो से जो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है. 7 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन पी. सिंपली क्या करना है हमें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. पी को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर अगेन पी के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाकर 14 मल्टीप्लाई 13 के साथ 7 डिवाइड करेंगे. 7 की टेबल 14 पर 2 टाइम्स, 2 13s आर 26, यानी कि जो पी का वैल्यू आ रहा है वो 26 आ रहा है. ठीक है, एक और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि इफ़ शाहिदा कैन आयरन 5 हैंड कर्चीफ्स इन 7 मिनट्स, हाउ लॉन्ग शी विल टेक टू आयरन 35 हैंड कर्चीफ्स. शाहिदा क्या कर रही है, 5 हैंड कर्चीफ 7 मिनट में आयरन कर रही है, तो बताएं कि 35 हैंड कर्चीफ्स कितने मिनट्स में आयरन होंगे. एक तरफ आपने टाइम लिखना है, दूसरी तरफ आपने हैंड कर्चीफ्स लिखने हैं. 7 मिनट में 5 हैंड कर्चीफ्स हो रहे हैं, तो 35 हैंड कर्चीफ्स कितने मिनट्स में होंगे, तो आपने लिखा इधर कि वो एक्स मिनट्स में होंगे. ठीक है, अब आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 7 तो वो आ रहा है आपके पास 245. x के साथ 5 डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 245 के साथ करेंगे 5 डिवाइड, तो यहाँ पर आपके पास 5 की टेबल 245 पे 49 टाइम जा रही है, यानी कि x यानी कि 49 मिनट्स लगेंगे 35 हैंड कर्चीफ्स को आयरन करने में. ठीक है, अब आपके पास होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपके पास क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 और ये एक्सरसाइज 6 हैं आपके पास. एक्सरसाइज 6 से आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं. ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.